गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुनीता दुबे आज आप लोगों को हिंदी में रचना के आधार पर वाक्य भेद बताने जा रही हूँ। बच्चों, हमें ये बात मालूम है कि अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण की जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द, और शब्द से वाक्य। देखिए, हमें ये बात तो पता चल गई कि भाषा की जो छोटी इकाई होती है उससे वो वर्ण होता है, वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ये तो हो गया वर्ण, शब्द और वाक्यों का मेल, सॉरी, वर्ण और शब्दों का मेल जिससे वाक्य बनते हैं। लेकिन इतना ही कह देना अपने में ये कंप्लीट अर्थ नहीं है, क्योंकि चाहे वर्णों का मेल हो और चाहे शब्दों का मेल हो, ये कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित क्रम में, होना चाहिए और साथ ही साथ सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब सार्थक, अर्थ के साथ, यानी कि शब्दों का जो मेल होना चाहिए वो एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए और दूसरा सार्थक होना चाहिए कि जो समझने में आसानी हो और उसी सार्थक के मेल से ही हम अपनी कही हुई बातों को या दूसरों की सुनी हुई बातों को आसानी से समझ सकते हैं। ये आपको बात पता चल गई कि वाक्य कैसे बनते हैं? वर्णों और शब्दों के सार्थक मेल से। पहले क्या होता है कि दूसरा कि ये एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, और सार्थक होते हैं। दूसरा क्या होता है? ये पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं, इसका कहने का तात्पर्य है कि इनका अर्थ हम आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि वक्ता की कही हुई बातों का एक अर्थ निकलता है। वक्ता किसे कहते हैं? बोलने वाला, कि उसने अपनी जिस भी बातों को कहा, जिन वाक्य के माध्यम से कहा, उसका अपना एक अर्थ होता है कि वक्ता की कही बातों का आशय, आशय का मतलब होता है अर्थ, कि हम वक्ता की कही बातों का आशय समझ सकते हैं, उसे आसानी से समझ सकते हैं। ये तो हो गया कि हमने वाक्य को कैसे जाना, कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि इन ये जो वाक्य होते हैं ये बनते कैसे हैं। वाक्य बनने में शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या होता है? सबसे पहले होता है कर्ता, फिर उसके बाद आती है क्रिया, सॉरी कर्म। सबसे पहले कर्ता, कर्म, फिर होता है पूरक, और उसके बाद आती है हमारी क्रिया।
बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हिंदी में क्रिया जिसे आप इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं हमेशा वाक्य के अंत में ही होती है। अब हमें यह जानना है कि शब्द के व्यवस्थित क्रम में कर्ता, कर्म, पूरक या क्रिया कहते किसे हैं। कर्ता, कर्ता जिसे कि हम उद्देश्य भी कहते हैं, इसका हम दूसरा नाम उद्देश्य जानते हैं, और उद्देश्य को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, ये होता है कर्ता का दूसरा नाम उद्देश्य है। अब ये हमें देखना है कि वाक्य में हम इनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इनको किस तरीके से हम किन शब्दों के रूप में देख सकते हैं। मैं एक सेंटेंस वाक्य लेती हूँ, एक सेंटेंस जिसको कहते हैं, वाक्य को सेंटेंस कहते हैं, कि पुलिस हमारा कर्ता है, पुलिस ने चोर को घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को घेर कर पकड़ लिया। अब इस वाक्य में हम ये देखेंगे कि इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, पूरक क्या है और क्रिया क्या है। कर्ता, कर्ता मतलब वाक्य में काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन है, इसमें जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, पुलिस के द्वारा। तो पुलिस क्या हो गया, ये हमारा कर्ता हो गया। अब कर्म का मतलब होता है कि कर्ता जो काम करता है, कि उसमें उसके किए हुए काम के बारे में हम जानते हैं कि कर्ता ने जो क्रिया की उसमें क्रिया किससे हो रही है, चोर को। पुलिस ने किसको घेर कर पकड़ लिया, तो हमारे पास एक उत्तर है कि चोर को, तो चोर हमारा कर्म हो गया। फिर घेर कर पकड़ लिया, घेर कर कि वाक्य में एक कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है, और कुछ अतिरिक्त शब्द भी होते हैं, और यही जो अतिरिक्त शब्द होते हैं उसे हम पूरक कहते हैं, और क्रिया यानी पकड़ लिया, जो कर्ता काम करता है वही हमारी क्रिया होती है। तो ये पकड़ लिया जो है वो हमारी क्रिया हो गई। ये हमें पता चल गया कि जो वाक्य बनाने में शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है वो व्यवस्थित क्रम है कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया। बच्चे बच्चों इतना तो आपने समझ लिया कि शब्दों का व्यवस्थित क्रम किस तरीके से बना। अब हम देखेंगे कि वाक्य रचना कैसे होती है, क्योंकि एक वाक्य भेद को, जो हम वाक्य भेद पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि वाक्य की रचना भिन्न भिन्न तरीके से होती है, कि हम एक ही वाक्य को कितने तरीके से बोल सकते हैं और कितने तरीके से उसे समझ सकते हैं। तो ये वाक्य भेद को समझने के लिए वाक्य रचना आना बहुत ही जरूरी है। तो हम ये देखेंगे कि वाक्य भेद में किस किस तरीके से वाक्यों की रचना की जा सकती है, जिसे मैं आप लोगों के सामने एक ही वाक्य को कई तरीके से बताऊंगी, जिसमें आप जब हम वाक्य भेद पढ़ेंगे तो वो कई तरीके से की हुई वाक्य रचना को देख करके हम समझ सकते हैं। जैसे अब हमारा ये मेरी है वाक्य रचना, वाक्य रचना, वाक्य रचना कैसे है कि एक हमारा वाक्य है, चित्रकार ने चित्र बनाया, चित्रकार ने चित्र बनाया, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा है चित्रकार ने चित्र बनाया और उसे
बाजार में बेचा। इसी वाक्य का एक आपने दूसरा रूप देखा, इसे हम और अन्य तरीके से भी कह सकते हैं। चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा। इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और उसे बाजार में बेचेगा। यह आपने देखा कि मैंने एक ही वाक्य को आपके सामने अलग अलग तरीकों से लिखा है। तो बच्चों, ये तो वाक्य रचना हो गई कि हम वाक्य को किस तरीके से, कितने प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन जब हम इसे वाक्य भेद में पढ़ेंगे तो यही वाक्य भेद में अलग अलग वाक्य के रूप में आ सकता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपने अभी तक पढ़ा ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इसे जब आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो वाक्य भेद जो मैं अब आपको आगे बताने जा रही हूँ उसे आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। Hasta luego.